दोस्तों नमस्कार, कर्नल अजय सीईओ अजय एस्ट्रोमैनिक ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज है 7 अगस्त 2024 बुधवार। दोस्तों हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो आप तक पहुंचाई जाए, और यही प्रयास हमारा रंग ला रहा है। और एक आपका चैनल 1,64,000 रजिस्टर्ड यूजर और 1,30,40,000 से अधिक व्यू वाला चैनल बन गया है। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। दोस्तों बांग्लादेश में सियासती संकट के चलते हुए कई फायदा कई नुकसान हो रहा है। भारत के लिए कपड़ा उद्योग को फायदा नजर आ रहा है, और यही वजह है कि भारत के टेक्सटाइल सेक्टर के स्टॉक लगभग 20% तक तेज हो गए हैं। इसमें अरविंद सेंचुरी, नाहर स्पिनिंग, केपीआर मिल्स, गोकुलदास एक्सपोर्ट, एसपी अपैरल शामिल है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि हमारे शो आपको पसंद आते हैं तभी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ साथ अपने राय अब कमेंट बॉक्स में भी देने का प्रयास कीजिएगा। साथ साथ बेल आइकन यानी घंटी के निशान को भी पुश कीजिएगा ताकि हर जानकारी हर सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचाई जा सके। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि कपड़ा यानी टेक्सटाइल सेक्टर को कुछ लाभ मिलने की संभावना है बांग्लादेश के मौजूदा सियासती संकट से। साथ साथ भारत को यह भी झटका लग सकता है, लगभग 150 करोड़ के आयात निर्यात का व्यापार जो हर रोज बांग्लादेश से होता है उस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। बांग्लादेश के सियासी संकट के कारण भारत के निर्यात को तगड़ा झटका लग सकता है। विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में भारत और बांग्लादेश के बीच $13 अरब यानी 1.10 लाख करोड़ रुपये का द्विपक्षीय व्यापार होने के समाचार हैं, जिसमें बांग्लादेश के साथ भारत को आयात कम और निर्यात ज़्यादा है, यानी ट्रेड बैलेंस भारत के पक्ष में है। भारत ने बांग्लादेश को $11.1 अरब का निर्यात किया जबकि आयात मात्र $1.8 अरब का रहा, यानी ट्रेड बैलेंस भारत के पक्ष में है। चालू वित्त वर्ष में इससे और बढ़ने की संभावना थी। बांग्लादेश में तख्तापलट से दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों पर गहरा असर पड़ने की संभावना है और इससे कपास का निर्यात घट सकता है। गौरतलब है कि ये ध्यान देने वाली बात यह है कि बांग्लादेश जो कि विश्व में टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स के रूप में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और हर महीने लगभग बांग्लादेश से 3.5 से 3.8 अरब डॉलर अमेरिकन डॉलर टेक्सटाइल का निर्यात या एक्सपोर्ट होता है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन संघ के देश शामिल हैं, जबकि भारत का अपैरल और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मात्र 1.3 से 1.5 अरब डॉलर का है, यानी एक तिहाई है बांग्लादेश के कंपेरिजन में। कुछ विशेषज्ञों का यह कहना है कि बांग्लादेश में संकट के कारण दुनिया भर के कारोबारी भारत में अपने ऑर्डर की संख्या बढ़ाएंगे। क्रिसमस और सीजन के लिए अमेरिका और यूरोपियन देशों के बाजार से रेडीमेड कपड़ों के बड़े ऑर्डर बांग्लादेश के पास हैं जो अब भारत को मिल सकने की उम्मीद है। साथ ही बांग्लादेश में जिन भारतीयों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी है वे भारत में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो न केवल कपड़ा उद्योग बढ़ेगा बल्कि लोगों को रोजगार में भी अधिक अवसर मिलेंगे। गौरतलब है कि जो मौजूदा संकट है उस संकट में अनुसार भारत के व्यापारिक संबंध जितने पहले मौजूदा सरकार के साथ थे उतने नहीं रह पाएंगे, ऐसी कुछ लोगों की धारणा है। गौरतलब है कि बांग्लादेश का जो मंथली एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड में होता है भारत का उससे एक तिहाई है, यानी 3.5 से 3.8 अरब डॉलर के मुकाबले भारत का मात्र 1.3 से 1.5 अरब डॉलर का है। और बिल्कुल क्रिसमस और बाकी जो त्योहारी सीजन है उसके ऑर्डर बांग्लादेश में अब पूरे होने मुश्किल है, ऐसा लोगों का कहना है। तो कुल मिलाकर स्थिति शने शने भिन्न भिन्न रह सकती है और इससे रोजगार के अवसर भारत को मिल सकते हैं। और ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत का कपड़ा उद्योग इससे फ़ायदा आ सकता है, और यही वजह है कि एक ही दिन के अंदर भारत के कपड़ा शेयर में 20% तक की तेज़ी आ गई है।
बांग्लादेश के मौजूदा राजनीतिक संकट से भारत के रेडीमेड कपड़े और अप्रैल का निर्यात बढ़ने की उम्मीद से कल मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार में कपड़ा और परिधान से जुड़े शेयरों में 20% की एक तरफा तेजी देखी गई, जबकि पूरा बाजार हस्तव्यस्त था और परेशानियों में था। गौरतलब है कि ये एक अस्थायी मौका हो सकता है और साथ साथ इसमें यदि हम देखें तो एसपी अपैरल का शेयर के दाम 20% और साथ साथ गोकुलदास एक्सपोर्ट के 16.99%, केपीआर मिल्स के 14.91%, आरएसएमडब्ल्यू के 7.10%, अरविंद लिमिटेड 5.41%, सेंचुरी 14.34% और नाहर स्पिनिंग के शेयर के दाम 11.58% बढ़ गए हैं। तो दोस्तों ये था एक महत्वपूर्ण अपडेट। साथ साथ ये भी समझ आ रहा है कि कोई भी राजनीतिक और सियासती संकट बहुत लंबे समय तक रह नहीं पाता है, और साथ साथ जो असेंशियल कमोडिटीज़ हैं जिसमें खाद्य वस्तुएं खाद्य पदार्थ शामिल हैं उसको तुरंत बहाल करना किसी भी राजनीतिक सत्ता के लिए ज़रूरी है, अन्यथा महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। दूसरी ओर भारत सरकार के पास में राजनीतिक संकट भी हैं, क्योंकि बांग्लादेश से शरणार्थियों की स्थिति, क्योंकि खबर ये भी मिल रही है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के ऊपर काफ़ी हमले हो रहे हैं, साथ साथ ये भी समाचार मिल रहे हैं। तो दोस्तों देखना ये है कि अब आगे क्या होगा। हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए, हम बांग्लादेश के ऊपर एक विस्तृत रिपोर्ट और आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।